हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू गोल्डन लाइफ चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको वाशबेसन को चमकाने की एक ट्रिक बताऊंगी। इस ट्रिक से आपके वाशबेसन में चाहे कितने पुराने ही दाग धब्बे क्यों न लगे हों, कई बार हमारे वाशबेसन में पानी के दाग पड़ जाते हैं जो आसानी से नहीं छूटते हैं, तो इस ट्रिक से आप उसको भी आसानी से छुड़ा सकते हैं चाहे आपके किसी तरह के दाग क्यों ना हो। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स से सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड, देख सकते हैं कि हमारे वाशबेसन में ये काफी दिनों से गंदगी जकड़ी हुई है, ये काफी दिन से यूज नहीं किया गया है। तो अब हम जानते हैं कि इसको हमें किस तरह से छुड़ाना है। तो फ्रेंड्स, अब हम एक बाउल लेंगे और इस बाउल में हम बेकिंग सोडा को डालेंगे। तो यहां पर हम आधा चम्मच बेकिंग सोडा ले रहे हैं। तो ये हमने आधा चम्मच इसमें बेकिंग सोडा लिया है बाउल में। और अब जो दूसरी चीज़ है उसमें हम आधा चम्मच नींबू का रस मिक्स करेंगे। बेकिंग सोडा दाग धब्बों को हल्का बनाता है और नींबू जड़ जो होती है दाग धब्बों की, वो जड़ से उनको भिगो फुला देता है, निकालने की कोशिश करता है। नींबू से जल्दी निकल जाते हैं जो दाग धब्बे होते हैं हमारे। तो ये देखिए बबल्स बनने लगे हैं। अब इसमें हम जो अगली चीज़ है वो है डिटर्जेंट पाउडर। तो आप जिस कंपनी का डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करती हैं वहाँ आधा चम्मच इसमें मिक्स कर लीजिए। और अब इसमें हम आधा चम्मच विनेगर यानी सफ़ेद सिरका भी मिक्स करेंगे। तो अब इन चारों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे। तो ये हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हम इससे वाशबेसन को साफ करेंगे। तो अब हम एक बर्तन धोने वाले ब्रश में इस पेस्ट को अच्छे से लगा लेंगे और वाशबेसन पर चारों तरफ इस पेस्ट को इस ब्रश की सहायता से लगाएंगे। थोड़ा रगड़ते हुए लगाएंगे ताकि ये अच्छे से जो हमारा मैल है, जो गंदगी है, उसमें मिल जाए और अच्छे से मैल हमारा फूल जाए। और फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ हमारे दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैं, निशान ज़्यादा हैं, वहाँ पर हम थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट को लगा करके अच्छे से मलते जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा लगभग चारों तरफ ये अच्छे से लग चुका है। ये जो दाग दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर भी आपको अच्छे से इस पेस्ट को लगा देना है ताकि ये कहीं भी पेस्ट रह ना जाए। और अब लगाने के बाद इसको आपको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही लगा छोड़ देना है ताकि ये जो हमारा जो पेस्ट है ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा और इस मैल को अंदर से फुला देगा। तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारे लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा ब्रश में पानी ले करके इसके चारों ओर अच्छे से और धीरे मैल पूरा छूटने लगा है और ये वाशबेसन जो है थोड़ी सी रगड़ने से ही काफ़ी इसका पूरा मैल निकल गया है। और ये जो आप दाग देख रहे थे नीचे, ये भी हमारा साफ़ हो गया है। ये बहुत ही काफ़ी दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ था इसलिए हमको थोड़ा इसमें मेहनत करनी पड़ी, 2 से 3 मिनट तक रगड़ना पड़ा इसको। वैसे ये बहुत ही कम रगड़ने पर ही आराम से छूट जाता है। तो अब हम इसको पानी से साफ़ कर लेंगे। तो ये फ्रेंड्स, वाशबेसन हमारा साफ़ हो गया है और इसमें कहीं पर भी अब कोई निशान नहीं है। हाँ, यदि मैं इसको एक बार और ऐसे ही साफ़ कर दूँ तो ये बिल्कुल मेरा कहीं हल्के फुल्के यदि दिख भी रहे हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बहुत गहरे निशान थे, फिर भी आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से छूट चुके हैं, वो भी बिना हारपिक के बहुत ही आसानी से। और हमारा वाशबेसन भी आप देख सकते हैं कितना शाइन कर रहा है और बहुत ही नीटली साफ़ हो चुका है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।